राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं डेली ब्लॉग मेरे आते रहते हैं सारे, आप देखते हैं मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मैं कभी कोई पार्लर वाला नहीं जाती हूँ, ना मैं कभी गई हूँ पार्लर, मैं कभी नहीं जाती पार्लर। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ होम रेमेडी जो कि मैंने आज ट्राई की है। मैंने आज अपना पैक बनाया है जो कि मैंने, आप ये देख सकते हैं, आज मैंने वो होम रेमेडी ट्राई की है। तो मेरा ग्लो देख सकते हैं स्किन पे, मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, कोई भी मेकअप नहीं है। सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, बस एक लिपस्टिक लगाई, कोई मेकअप नहीं लगा, क्योंकि मैंने आज अपनी एक होम रेमेडी यूज़ की है। तो उसके बाद मैं अपना आपको ग्लो दिखा रही हूँ। देखिए, क्योंकि अभी न्यू अभी काफ़ी अच्छे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप जैसे कि पार्लर जाते हैं, पार्लर में दो दो तीन तीन हज़ार रुपये आप खर्च करके आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप पार्लर ना जाते हुए मेरी होम रेमेडी जो बताई हुई है आप वो यूज़ कीजिए। उसके बाद आप देखिए कितना इंस्टेंट ग्लो आता है, अमेजिंग ग्लो आता है। स्किन टाइट होती है, रिंकल्स रिड्यूस होते हैं, एक्नेस रिड्यूस होती है, उससे आपका इंस्टा ग्लो आता है, स्किन टाइट होती है, और अमेजिंग रिजल्ट है गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे जो कि मैंने आज यूज़ किया है, ये वाला पैक जो मैंने बनाया है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और आप इंस्टेंट ग्लो देखिए। तो दो चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है हमारे किचन के अंदर, जो कि सभी के किचन के अंदर पाई जाती हैं, जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। तो चलते हैं हम किचन में, तो मिलते हैं किचन में। दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में हमें कॉफ़ी तो मिल ही जाती है। अगर कॉफ़ी नहीं है तो हमें 10 रुपीस वाला कॉफ़ी का पाउच ले लेना है, और हमें एक एग ले लेना है, यानी एक अंडा ले लेना है अगर आपके घर में हो, और नहीं हो तो एक अंडा आप ले सकते हैं। हमें क्या करना है कि अंडे को फोड़ना है, और उसके बाद जो अंडे की सफ़ेदी होती है, यानी अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है वो हमें निकाल लेना है, और हमें येलो पार्ट नहीं लेना है क्योंकि येलो पार्ट काम नहीं करेगा। तो हमें येलो वाइट वाला पार्ट लेना है। तो मैंने जितना ले लिया है, मतलब मुझे यूज़ करना है, तो आप जितने ही चाहे दो जने लगाओ एक जने लगाओ तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अंडे, अंडे की सफ़ेदी ले ली है, और इसके बाद मैंने ले लिया है एक कॉफ़ी का पाउच ले लिया है, और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, दोनों को मिला लूँगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप पहले से यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, और लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस पैक को यूज़ करेगा तो एज का ही लोग ऐसा लगता है कि ये पैक लगाने के बाद बहुत ही मतलब चेहरा खिंच रहा है। तो अंडा जैसे ही फेस पे लगता है तो वो तो खिंचता ही है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉफ़ी का और अंडे का मास्क मतलब बना लिया है मैंने, तो इस तरीके से बन जाएगा, और आपको भी इस तरीके से बनाना है। अब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जो मैंने अपनी होम रेमेडी बनाई है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मेरे फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, तो अब मैं लगाने वाली हूँ अपना जो पैक जो मैंने बनाया है घर में। ये देखिए, कुछ भी मेकअप नहीं है क्योंकि मैंने फेस वॉश कर लिया है। मैं मेकअप वैसे यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो चलिए लगाते हैं पैक। तो देखो, मैंने अपना पेक बना लिया है, ये मेरा पेक है। अब इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है लगाने के लिए तो आप अपना फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है किसी के पास नहीं है तो। बट मैं अपना ब्रश से लगाने वाली हूँ। मैं आज तक कभी भी किसी सैलून वगैरह में नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं अपने होम रेमेडीज ही यूज़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, बहुत ही इंस्टेंट ग्लो आता है। तो आप लोग भी यूज़ करें, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर की ओर लेके लगाना है अगर आप ब्रश से यूज़ कर रहे हैं या फिर फिंगर से कर रहे हैं, तो ये वाली इस तरीके से ऐसे यूज़ करना है आपको। हम अपने पूरे फेस के एरिया पे अच्छे से लगा लेंगे, चाहे हमारी नोज हो, फेस हो, कहीं पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपको। तो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है अपना जो पैक बनाया था मैंने अपना। तो आपको क्या कर लेना है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है तो आगे देखिए, ये जो ऐसे इस टाइप का टिश्यू होगा, आपको ऐसा टिश्यू ले लेना है, ठीक है। अब इसी टिश्यू को हमें अच्छे से चिपका देना है इसी के ऊपर।
टिश्यू लगाने के बाद है ना आपको इस तरीके से लगा लेना है टिश्यू के ऊपर भी। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पर टिश्यू लगा लेना है और ऐसे ही फिर आपको ऊपर से लगा लेना है पूरा। इस तरीके से पूरे फेस पर टिश्यू चिपका देना है। एक पहले आपको एक कोड लगाना है, देन सेकंड कोड लगाने से पहले आपको ये वाला टिश्यू अच्छे से ऐसे चिपका देना जैसे कि मैंने कर दिया है। अब इसी के ऊपर फिर हम ये सेकंड पैक जो है वही वाला पैक जो हमने बनाया था वही इसी के ऊपर फिर से अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको लगा लेना है और मैं इसके बाद आपको लगा लेना है। अच्छे से लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट आपको छोड़ देना है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना रिजल्ट। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है गाइस, सीरियसली आप ट्राई करके देखना ये वाला जो है पैक मेरा, फिर उसके बाद मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही इंस्टा बुलवाता है क्योंकि मैंने कभी कोई 3000 वाले 4000 वाले जब पैक करवाते हैं, पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप ये वाली होम रेमेडी मेरी यूज़ कीजिए और उसके बाद बताइएगा इससे आपके एक्नेस वगैरह जो होती है, कई बार क्या होता है अपनी जो स्किन होती है लूज़ हो जाती है, एक्नेस प्रॉब्लम होती है ना। तो मैंने अपना सेकंड कोड जो था मेरे टिश्यू के बाद वाला वो मैंने लगा लिया है। फर्स्ट कोड आपको पहले वैसे ही फेस पे लगाना है, सेकंड कोड आपको टिश्यू लगा के उसके बाद लगाना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो ऐसे ही आपको करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको छोड़ देना है सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। उसके 10 मिनट या 15 मिनट बाद आप देखिएगा फिर उसके बाद। तो मैंने अपना सेकंड कोड लगा लिया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फर्स्ट कोड मैंने वैसे अप्लाई किया अपने फेस पे और सेकंड कोड आपको लगाना, टिश्यू लगाने के बाद आपको सेकंड कोड लगाना है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है लगा के, जैसे ही ड्राई हो जाता है उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके आपको निकाल लेना है। बहुत ही अमेजिंग ग्लो आया है, देख सकते हो आप कितना अमेजिंग ग्लो है। तो अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने फेस को पूरा क्लीन कर लिया है, देखो अच्छे से क्लीन करके। तो अब हमें क्या कर लेना है, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर हो या कोई भी अपना सीरम हो तो आप लगा लीजिए। तो मैं तो सीरम लगाने वाली हूँ। तो मैं अपना सीरम लगा रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप देखो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पार्लर से अभी अभी फेशियल करवा के आई हूँ। एकदम इंस्टेंट ग्लो है, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट है गाइस। तो आप भी यूज़ कीजिए और फिर उसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे अभी फेशियल करवा के आई हूँ एकदम। मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं सारी अपने घर में ही सारी होम रेमेडीज यूज करती हूँ। कोरियन स्किन बन गई है एकदम, मेरी कोरियन स्किन वाला ग्लो हो रहा है देखो। तो आप भी इस पैक को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद रिजल्ट जरूर मुझसे शेयर करें। अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। आगे भी आपको पता चलता रहे कि मैं और क्या क्या वीडियो लाने वाली हूँ।